का सलमान खान की ओर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से जो है काफ़ी SC ST जितना जन है पूरा का पूरा बहुत तादाद में यहाँ से आता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हाल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं जिससे जो एक वाल्मीकि समाज जो है बहुत उनमें रोष है, गुस्से में है, तो सलमान खान ने जो आपको जो ये जो टिप्पणी की है उससे आप कितने गुस्से में हैं और उसको उसको आप कैसे मतलब लेते हैं? इससे पूरे समाज को, हम सभी को गहरा आघात पहुँचा है कि जिस बॉलीवुड अदाकार को आज हमारे ही समाज की नौजवान पीढ़ी ने चरम सीमा पर पहुंचाया और आज इस जिस तरह का असभ्य शब्दों का, अभद्र भाषा का मतलब जो उपयोग सलमान खान साहब ने किया है, इसके लिए हम और हमारे इस पूरी समाज, हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर भयंकर आक्रोश है। कल हमने पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में लोग अपने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से लोग अपना इसमें रोष व्यक्त कर रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कल हमने भी इंडिया गेट पर जाकर अपना रोष व्यक्त किया और पुलिस ने दमनकारी नीति के तहत हमें दबाने का प्रयास भी किया, उसके बावजूद हमने हमारा प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। हमने नई दिल्ली के सिनेमा हॉल रिवोली सिनेमा पर जाकर हमने फिल्म का प्रदर्शन रोका, पोस्टर फाड़े कल 24 दिसंबर को। और मैं ये पूछता हूँ कि याकूब मेमन की पैरवी करने वाले, देश के गद्दार की पैरवी करने वाले सलमान खान, मतलब आखिर इस समाज पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद क्यों खामोश बैठे हैं? क्यों हमारी न्यायपालिका खामोश है? क्यों आज अगर यही भाषा का उपयोग किसी अन्य धर्म के, अन्य जाति के लिए किया जाता तो पूरा भारत, पूरा मीडिया शायद एकजुट होकर सलमान के खिलाफ अनेक प्रकार के आरोप तय कर देता। लेकिन वाल्मीकि समाज के खिलाफ इतने भद्र भाषा का उपयोग करने पर भी ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है कि कोई भी संस्था या कोई भी सरकार की ओर से या सरकार से जुड़े लोगों की ओर से या कानूनी मान्यताओं के आधार पर या मीडिया से हमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग हमारे इस रोष प्रदर्शन को नहीं मिल पा रहा है। सर, क्या कारण है कि देखिए अब मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो केजरीवाल की सरकार भी है और BJP की भी सरकार है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब सक्रिय हो रही है, क्या कारण ऐसा है कि अभी तक भी कोई भी बड़ा नेता इस टिप्पणी में या इस जो अब वाल्मीकि समाज को जो ठेस पहुंचा है उसमें अभी तक भी उसका बयान नहीं आया और वो खुद भी इसमें शामिल नहीं है, क्या कारण है? मैं राजनीति से जुड़े लोगों, राजनीतिक विचारधारा से संबंधित लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे अगर मेरे मन में रोष है या इस पूरी बिरादरी में अगर रोष है तो वो इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को लेकर हमारे मन में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है कि न्यायपालिका किसी भी देश की सबसे मजबूत नींव होती है जिसके ऊपर पूरा राष्ट्र खड़ा होता है। और आज ये जो असमानता का जो हमें दौर जो चल रहा है कि जिसे आज भी इक्वालिटी जो देश में से ख़त्म नहीं हुई है कि कोई भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मतलब किसी भी तरह के अनाप शनाप अनर्